हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। नमस्कार, मेरा नाम संजय खान और आप देख रहे हैं मेरा हर्ष न्यूज़ चैनल। कल्याणपुरी थाना क्षेत्र के कल्याणवास में एक चाकूबाजी हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो महिलाएं इसमें घायल हैं। हम बता दें कि ये वो कल्याणवास इलाका है जहां पर वारदात हुई है। ये कल्याणपुरी थाना क्षेत्र का इलाका है और ये दिल्ली सरकार की सोसाइटी है। इसमें सभी जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने भी काम करते हैं उन सभी को इसमें फ्लैट मिला हुआ है। ये वारदात हम बता दें कि शनिवार की सुबह 6:59 पर हुई है। इसमें नीरज नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं हम बताएं कि हमने पीड़ित परिवार वालों से बात की, उनका कहना था कि जिसकी हत्या हुई है उनकी बहन का डिवोर्स हो गया था। उनके जीजा आए सुबह और आते ही उन्होंने एक चॉपर होता है उस चॉपर से सीधा हमला कर दिया जिसमें जो नीरज हैं उनकी मौत हो गई। उसमें दो महिलाएं घायल हैं, इसमें नीरज की पत्नी और नीरज की माताजी ये दोनों घायल हैं। बहरहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और पुलिस को चॉपर भी मिल गया। हम बता दें ये वो कॉलोनी है, देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये थर्ड फ्लोर है और मकान नंबर जो है T2 है और यहाँ पर वारदात हुई थी। बहरहाल डेड बॉडी को कब्जे में लेकर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में सुरक्षित रखवा दिया गया है और जो दोनों महिलाएं घायल हैं उन महिलाओं का भी इलाज जारी है। बहरहाल पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, उनका कहना है कि जांच के बाद पता चलेगा और आरोपी फरार हो गया है और आरोपी को गिरफ्तार करने का भी प्रयास जारी है। हाँ बेटा, क्या हुआ था सुबह? अंकल मैं सो रहा था घर पर, सो रहे थे, दादी झाड़ू लगा रही थी तो ना मेरे सोफा आया नीचे से, मेरे पापा के घर पे इधर चाकू मारा, यहाँ पे चाकू मारा और इधर चाकू मारा। जब मैं छुड़ाने के लिए गया ना तो मेरे सर पर डंडा मार के उसने आंखों में मिर्च वगैरह फेंक दी तो मैं गिर गया। उसके बाद उसने यानी मम्मी ने कार करा और दादी बेटी सर पे, उसके बाद जब मैं उठा तो भाग गया। तो आपकी बुआ आपके घर पे ही रहती है? नहीं। तो किस कौन थे, क्यों मारने आए थे आपको नहीं पता? तो बुआ कहाँ रहती है? तिलोकपुरी वाइस ब्लॉक में रहती है। मारने वाला व्यक्ति कौन था? आपके क्या नाम है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, क्या हुआ है और आपके क्या लगते हैं? मेरे साड़ू लगते हैं। क्या हुआ रिलेशन में? हमें तो पता ही नहीं था, अभी आ रहे हैं घर से, हम रहते कड़कड़ूंगा। आपको क्या पता लगा है? मेरे तो साड़ू का फ़ोन गया, जो दूसरे साड़ू है ना उनका फ़ोन गया कि ऐसी ऐसी बात है, उसके घर में कोई घुसा हुआ और उन्होंने कोई चाकू को मार दिया और उनके ख़त्म हो गए वो, तो हम सीधा अस्पताल है, अस्पताल से यहाँ रहे। कौन था जो घर में घुसा था, जिसने मारा है, क्या है? कोई पता ही नहीं है। अब उनकी इनकी जो दादी है उनसे पता करें, वो कह रही है कि मेरा दामाद है वो और उससे रिलेशन छुड़वा दिया है। अच्छा। हाँ, पहले आपसे विवाद था उसके बाद? अब जी उनकी घर की बात, हमारे इतना वो मेल जोल नहीं था इन सब से, जैसे अब इनकी जो दादी है ना उनसे ज़्यादा हमारे उनके घर वालों से हमें मतलब नहीं था। तो किसी की डेथ भी हो गई है क्या? हाँ डेथ हो गई है, नहीं उनके जो गुड़िया का जो लड़का है उनका हुई है ना, इसके पिताजी की हुई है, मेरे जो साड़ू हैं उनकी हुई है। नीरज नाम उनका, जो इसकी दादी है वो घायल पड़ी हुई है और इसकी मम्मी की भी घायल पड़ी हुई है, उन दोनों जने की भी लगी काफ़ी चोट वोट, इसकी दादी को भी चाकू को लगा। उसका नाम बता दीजिए, मुझे तो उसका नाम ही नहीं बता रहा, हमें बता कौन है कौन, लेकिन ये बता रही कि हमारा वो दामाद था उससे छोड़ छुड़ाव हो गया हमारा उससे। जी जी, जो उनकी लड़की थी उनसे डिवोर्स हो गया है।